हाई गाइज़, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़, आज मैं अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस्टिवल कुर्ती हॉल, जिसमें कि मैंने 3 कुर्तीज़ परचेज़ की है, जो कि एक ऑरेलिया ब्रांड से है, एक सांग्रिया ब्रांड से है एंड एक वारंग ब्रांड से है। सो गाइज़, चलिए बढ़ते हैं मेरी फर्स्ट कुर्ती की तरफ, जो कि ऑरेलिया ब्रांड से है, जिसे मैंने 399 रुपीज़ में परचेज़ किया है। सो गाइज, ये मेरी फ़र्स्ट कुर्ती है जो मैंने 399 रुपीज़ में परचेज़ किया है एंड ऑरेलिया ब्रांड से है। सो ये पूरा प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता है एंड ये नी लेंथ तक के है। रेड कलर में कुर्ता है ये मेरा एंड इसका जो फैब्रिक है ये पॉलिस्टर फैब्रिक है। इसके नेक में पाइपिंग दी गई है, जो पहनने पर बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है। एंड आप इसे देख सकते हैं, पूरा फुल प्रिंटेड फेस्टिवल कुर्ता है ये। इसे हम कैजुअल पर्पस, फेस्टिवल पर्पस के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये इमेज में जैसे दिख रहा है ये कुर्ता भी सेम वैसे ही है। इसका जो कलर है वो भी सेम आया है एंड इसमें ऐसे कटिंग में बॉर्डर लगी हुई है, आप देख सकते हो वीडियो में जैसे इमेज में दिखाया गया है। मैं इसे आपको वियर करके भी दिखाऊंगी कि वियर करने के बाद ये कुर्ती कैसी लगती है। सो गाइस, इसके नीचे में जो बॉटम में भी एक बॉर्डर दिया गया है, जो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है। ये स्लीवलेस कुर्ता है गाइस, इसमें इनर में कोई स्लीव्स अटैच नहीं है, ओनली स्लीवलेस कुर्ता है ये। सो चलिए मैं आप सो गाइस, आप देख सकते हैं नीचे में जो बॉटम में बॉर्डर लगी हुई है उसमें भी पाइपिंग वर्क किया गया है, जो पहनने पर बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करता है। सो गाइस, मैं आपको इसे वियर करके दिखाती हूँ कि यह पहनने पर कैसा लगता है। गाइस, ये मेरा सेकेंड कुर्ता है, जो कि वारंग ब्रांड से है एंड मैंने इसे 399 रुपीज़ में परचेस किया है। इसमें राउंड नेक दिया गया है एंड इसके नेक में बटन टेजल की हुई है, आप देख सकते हैं कि बटन कैसे अटैचिंग की गई है। और पूरा फुल प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता है ये, जो कि फेस्टिवल एंड पार्टी वियर के लिए एकदम बेस्ट कुर्ता है। मैं आपको इसके प्रिंट पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितने फाइन प्रिंट है इसमें, जो कि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगे हैं। एंड इसके स्लीव्स में भी प्रिंटेड वाली बॉर्डर लगी है, आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स में ऐसे प्रिंटेड बॉर्डर दी गई है। एंड गाइस, इसके बॉटम में भी ऐसी ही प्रिंटेड बॉर्डर दी गई है, आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कुर्ता। एंड चलिए अब मैं आपको इसे वियर करके दिखाऊंगी कि वियर करने के बाद यह कैसा लुक क्रिएट करता है। मुझे पर्सनली यह कुर्ता बहुत पसंद आया है, जो कि मेरे काफ लेंथ तक के आता है। एंड इसका जो मटेरियल है वो कॉटन रेयन ब्लेंड है, जो कि हेवी सा लुक क्रिएट करता है एंड हेवी मटेरियल लगता है। सो चलिए मैं आपको इसे वियर करके दिखाती हूँ कि पहनने पर यह कैसा लगता है। Thank you.
गाइस ये मेरा थर्ड कुर्ता है जो कि सांगरिया ब्रांड से है, जिसे मैंने 339 रुपीस में परचेज़ किया है। ये ए लाइन कुर्ता है एंड पूरा ये मुझे काफ लेंथ तक के आ रहा है। इसमें कॉलर नेक दिया गया है एंड सामने में पूरी ओपनेबल बटन अटैचिंग की गई है, जो कि सारी बटन ओपन होती है। ब्लू कलर में कुर्ता है ये, आप देख सकते हो। एंड इसकी स्लीव्स की जो लेंथ है ये फुल स्लीव्स है। एंड गाइस ऐसा इसमें सामने से फ्रंट दिया गया है, मतलब सॉरी फ्रंट से ओपन दिया गया है। एंड गाइस इसकी जो बटन्स हैं वो पूरी ओपन होती है, जिसे कि हम इसे एक श्रग के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ श्रग हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसे वियर करके दिखाऊंगी कि वियर करने के बाद यह कैसा लुक क्रिएट करता है। यह प्योर कॉटन मटेरियल में है, जो कि इसका कॉटन मटेरियल जो है मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा मटेरियल है। सो चलिए मैं इसे वियर करके दिखाती हूँ कि वियर करने पर कैसा लगता है। सो गाइज़ अगर आपको कुर्तीस अच्छी लगी हो और आपको परचेस करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे कलेक्शन कैसे लग रहे हैं। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।